अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डे, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का ब्लॉग जो है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग है। यहाँ पर मैं आपको अपनी जर्नी शेयर करने लगी हूँ रिलेटेड टू माय अलाइनर ट्रीटमेंट। सो ये क्या था, क्या प्राइजेस थी, क्या इशू था, क्यों करवाया, क्या था, ऑल टू ऑल डिटेल शेयर करूँगी, कैसा था और डॉक्टर ने कैसा ट्रीटमेंट दिया, डॉक्टर कैसे थे, ये सब चीज़ें मैं शेयर करने लगी हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो में कमेंट भी करना है और शेयर भी करना है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेल आइकन को क्लिक करना है अगर आप न्यू हो। अगर इनके सब पुराने भी हो और आपने नहीं क्लिक किया हुआ बेल आइकन को तब भी कर लीजिए, होगा मेरे हर आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाएगा और मेरी कोई वीडियो जो आपसे मिस नहीं होगी। सो चले चलते हैं, स्टार्ट करते हैं कि मैंने जो है वो अलाइनर्स ट्रीटमेंट क्यों करवाया एंड व्हाट इज़ अलाइनर्स। बेसिकली कुछ लोगों को नहीं पता होता, सो अलाइनर्स जो है वो ऐसा ट्रीटमेंट होता है कि इवन अगर आपके मतलब आपके अगर दांत जो है वो अलाइन नहीं है, टेढ़े मेढ़े है, या किसी के दांत बाहर भी होते हैं वो है, और या कोई भी इशू आ रहा है आपके दांतों के लिए, आप चाह रहे हो कि उससे एक परफेक्ट शेप मिल जाए और वो प्रॉपर यूँ आ जाए जैसे होते हैं, तो और लेकिन सामने वालों को पता भी ना चले कि आपने ये ट्रीटमेंट करवाया, तो ये अलाइनर्स जो होते हैं वो बिल्कुल इनविजिबल होते हैं, दिखाई नहीं देते जब आप ये करवाते हैं। तो मैंने करवाया था अलाइनर्स का ट्रीटमेंट और आज से 2.5 इयर्स हो गए हैं आज, ठीक है। सो इतना ही हुआ है, बट मैं अपने आप को लेके बहुत कंसर्न हूँ, अपने आप को लेके बहुत मैं पोजेसिव हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी हर चीज़ जो है वो मुझे अच्छी लगे, सामने वाले को अच्छी लगे या ना लगे, इट डजेंट मैटर टू मी, बट मैं खुद को अच्छी लगनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है और ये आई थिंक सबके लिए होना भी चाहिए। तो मुझे अपने दांतों को लेकर बहुत कंसर्न था, तो मैं चाहती थी कि वो बिल्कुल एक शेप में आ जाए। लेकिन एज़ यू नो कि हम देसी फैमिली से बिलोंग करते, सो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि कोई जरूरत नहीं करवाने की, सो क्या अच्छे दांत है, सबसे मैंने मेजर ऑल लिया, सबने कहा इट्स ओके, अच्छे अच्छे अच्छे, बट मैं सेटिस्फाई नहीं थी। सो इसलिए मैंने पहले जो है वो काफ़ी रिसर्च की इस बारे में और काफ़ी जो है वो डॉक्टर सर्च किए, लेकिन सबसे पहले जो मैं गई थी डॉक्टर सर्च वगैरह किए, इतना एक्सपेंसिव था, ये इतना एक्सपेंसिव पड़ रहा था मुझे कि सबने कहा कि आपको जो है वो मतलब डायरेक्ट 3 लाख की अमाउंट देनी होगी। आई वॉज लाइक कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। मैंने बहुत रिसर्च की, रिसर्च करने के बाद एक दिन स्क्रॉलिंग करते हुए इंस्टाग्राम पर मेरे पास पेज आया सामने डॉक्टर जमाल का। सो डॉक्टर जमाल का पेज आया तो मैंने वहाँ विजिट किया, जब उन्होंने मुझे अपनी प्राइसिंग वगैरह बताई आई वाज लाइक क्लियरली शॉक कि इतनी रीजनेबल प्राइस में कौन करता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये ट्रीटमेंट लूँ। तो जब मैंने ट्रीटमेंट लिया तो उसमें ये सीन था कि इन्होंने मुझे गाइड किया कि पहले कि आप जो है वो क्लियर पाथ की तरफ, क्लियर जो पाथ होता है मतलब क्लियर लाइनर्स होते हैं इसकी तरफ मत जाए क्योंकि हम भी थोड़े ज़्यादा टेढ़े हैं। सो आई वाज लाइक ओके। तो उन्होंने कहा कि आप जो ब्रेसेस लगा लें, बट मैं ब्रेसेस नहीं लगवाना चाह रही थी, तो मैंने कहा कि मुझे ब्रेसेस लगाना तो मैं बहुत पहले ही लगा लेती, तो मैंने कहा कि आप जो है वो ये कर दे। उन्होंने कहा ठीक है मैं कर देता हूँ। तो उसमें ये सीन हुआ कि अब जो प्राइजेस की बात है वो ये है कि वो आपके केस में भी डिपेंड करती है कि आपका क्या केस है। अगर आपके दांत जो है बहुत ज़्यादा मतलब घिसमिच है तो नहीं लगी गई है, अगर थोड़े से ज़्यादा है तब लग सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बहुत ज़्यादा सीवियर केस हो आपके दांतों का तो ये क्लियर पाथ नहीं यूज़ किया जा सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है लग जाएगा। जब मैंने एक लगाए और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया था उन्होंने मुझे, तो मैंने ये लगाए और लगाने के कुछ साल में मतलब कुछ मंथ्स में ही ना मतलब मूवमेंट में जो फील होना शुरू हो गई थी अपने दांतों की और शेप में आने लग गए थे। मतलब कि इन्होंने मुझसे जो है वो ली थी, शुरू में हाफ पेमेंट लेनी होती है और 50% देनी होती है आपको डाउन पेमेंट, उसके बाद जो है वो आपको 25% देनी होती है। तो मैंने जो है 50% पेमेंट की, तो मेरे पास अलाइनर्स आए, मैंने वो अलाइनर्स लगाए। सो इससे ये हुआ कि मेरे जो दांतों की मूवमेंट है वो स्टार्ट हो चुकी थी और काफ़ी जो है वो मूव होने भी लग गए थे, और आपने नोट भी किया होगा कि कुछ पुरानी मेरी वीडियोस में मैं बहुत वीक भी दिख रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट हो रहा था इसलिए फेस का जो शेप है वो थोड़ी चेंज होती रहती है। सो मैं पहुंच गई हूँ इनकी क्लिफ्टन वाली ब्रांच में जो है मेडिलिंग्स के अंदर। तो यहाँ पर जो है मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि आज फाइनली मेरा पूरा ट्रीटमेंट जो वो खत्म हो चुका है और जो ब्रेसेस है वो भी रिमूव होने वाले हैं और साथ में होगी स्केलिंग एंड पॉलिशिंग। अच्छा, अभी अभी हमने जो है वो रिसेंटली आपका केस फिनिश किया है, इस केस के अंदर जो है आपका बेसिकली हाइब्रिड केस था। हाइब्रिड केस का मतलब इसके अंदर अलाइनर्स और ब्रेसेस दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। तो पहले हमने जो है आपका केस अलाइनर्स के थ्रू जो है वो बेहतर किया, उसके बाद जो फाइनल फिनिशिंग थी वो हमने जो है आपकी जो है उससे की ब्रेसिस के थ्रू की। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट जो है हम आपको दिखाएंगे बिफोर आफ्टर फोटोज के अंदर, बहुत अच्छा रिजल्ट है, आपका मॉडल अच्छा बेहतरीन किस्म का फिनिश केस हुआ है।
I'm there with my treatment. So और ये है दो तलवार, इसके सामने जाइए, इसके अंदर जाके और फर्स्ट फ्लोर में हमने जाना है मेडिकल स्पोरा, ठीक है। कोई इशू होता है या फिर किसी को भी स्केलिंग या पॉलिशिंग करवानी होती है, स्केलिंग और पॉलिशिंग भी बहुत ज़रूरी होती है जो हमें अपने दांतों को साफ रखने के लिए करवानी चाहिए, जिससे आप खुद मुंह में अपने फेस पे फेशियल वगैरह करवाते हो, इसी तरह स्केलिंग और पॉलिशिंग भी करवानी चाहिए आपको। सो अगर कोई भी स्केलिंग पॉलिशिंग होती है, कुछ भी होता है, मैं हर किसी को और इवन के आप सबको भी यही रेकमेंड करूँगी कि आप डॉक्टर जमाल के पास जाए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा जो है वो ट्रीटमेंट करते हैं और चार्जेस भी जो है इनकी काफ़ी रीजनेबल है। अब अच्छा, इनकी ब्रांचेस जो है ना वो दो ब्रांचेस है, एक ब्रांच इनकी अंकल सरिया में है सदर में जो है, और एक ब्रांच जो है वो इनकी क्लिफ्टन में है दो तलवार के पास। तो सो अगर आपको जो करीब लग रही है ब्रांच, आप वहाँ विजिट कर लीजिए, लेकिन डॉक्टर जो है वो बहुत ही कमाल के है। रही बात इंस्ट्रूमेंट की, जो डॉक्टर जो हमारे यूज़ करते थे वो बिल्कुल जो है वो मतलब हाइजीन का ख्याल रखते हुए हर चीज़ प्रॉपर वे में डिसइंफेक्टेड होती थी और हर चीज़ जो है वो प्रॉपर न्यू यूज़ करते थे, किसी भी पेशेंट की दूसरे पेशेंट को बिल्कुल नहीं यूज़ करते थे, सब जो है मतलब प्रॉपर हाइजीन का उन्होंने ख्याल रखा हुआ था। तो इसलिए जो है मुझे डॉक्टर जमाल जो बहुत ज़्यादा सूटेबल लगते हैं और हर चीज़ को प्रॉपर वे में लेके चलने वाले डॉक्टर है। जो कि कोई भी इशू हो तो आप यहाँ पर विजिट कर लीजिए, अच्छी लगी हो या ना भी अच्छी लगी, इट डजेंट मैटर, वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।